की है और आप इसके क्या अगुवाई करेंगे? दलित ओबीसी माइनॉरिटी DOM एक परिसंघ है, संगठनों का संगठन है। जितने संगठन हैं उनका अस्तित्व तो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ी है और चेतना आई है, वैसे वैसे समाज बटा है। वजह वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बनते चले गए। अब एक समझदारी, चेतना और पढ़ाई लिखाई एक तरफ दिखाई पड़ रहा है, नुकसान कर रही है समाज को, क्योंकि संगठन लाखों की संख्या में खड़े हुए, तो उसका एक ही तरीका है कि उनका अस्तित्व अपना रहे। लेकिन संगठनों का संगठन एक परिसंघ, DOM एक परिसंघ बनाया, और इस प्रयोग को मैंने 20 साल पहले शुरू किया था, सफल हुआ था। ये दूसरा बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें दलित OBC माइनॉरिटी, क्योंकि अभी जो आरक्षण समाप्त हो रहा है, ताकत जब तक भीड़ की नहीं दिखेगी सड़क पर तब तक बात मान्य नहीं। शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, अब पब्लिक गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं SC ST OBC के बच्चों के लिए रह गए, जहाँ पढ़ाई नापमात्र की होती है। यूनिवर्सिटी भी आधे से ज़्यादा प्राइवेट में आ गई है, और इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एक तरह से शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन निजी क्षेत्र में जा चुकी है, जहाँ हमारी भागीदारी नहीं है वो। और सरकारी नौकरियां समाप्त इसलिए की जा रही कि ताकि रिजर्वेशन समाप्त हो जाए, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और इसका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जाकर, तो यह तभी संभव है जब सब इकट्ठा होकर के अपनी लड़ाई लड़े। कैसा रिस्पांस दिख रहा आज? पहला कार्यक्रम था DOM का, कैसा रिस्पांस दिखा? हॉल भरा, केवल फोन पर इतने लोग आ गए, पर्चा भी नहीं छपा है। और इसका मेन रूप से परमिंदर हमारे साथी SP वर्मा जी और हुसैन भाई जी, तो इनकी भूमिका रही। हमारा साथी परमिंदर है, उसने फ़ोन पर ही हजारों संगठनों को, सैकड़ों संगठनों को खड़ा कर दिया, और सैकड़ों संगठन आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। पुलिसराज जी, एक दो सवाल। एक आपने कहा कि आपने RSS से बात की, तुलना की, एक मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू भक्त हैं या जो राष्ट्रभक्त हैं उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में ना जाएं, आप इसे ठाक रखते हैं? अब हम तो वो उनका क्या वक्तव्य है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दलितों को मैं कहूँगा कि यथासंभव इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ें। ये आपका स्टाइल है। एक और, हमें इंग्लिश एजुकेशन ही चाहिए। हमें तो बल्कि वर्णा कुना लैंग्वेज है उसमें भी हमें नहीं चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे दलित OBC के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, और अंग्रेजी में पढ़ने से क्या होगा कि जो ज्ञान पूरा दुनिया में उपलब्ध है वो मिल जाता है। दूसरी बात है, नॉर्थ साउथ का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। तीसरी बात है कि नौकरी मिल जाती है। चौथी बात है कि अंग्रेजी में तू, तय, तुम्हारा, यानी किसी को अपमानित करने वाला शब्द नहीं, ही उसी में ईट में ख़त्म हो जाता है। जो हिंदी और संस्कृति जो पढ़े उनके में हम डिस्करेज नहीं करेंगे, न उसको रोक रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी न पढ़े होते तो वो नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज के द्वारा उन्होंने कहा था, ये उस सेठनी का दूध है जो पीता है बड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के हम सिपाही हैं, तो उनके कहने के अनुसार हम चल। एक छोटा सा और सवाल सर, कि आपकी लगातार शिकायत रही है कि बहुजन समाज एकजुट नहीं हो रहा। हाल के दिनों में सरकार, भले केंद्र में आपके आप सांसद भी हैं, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, सबसे ज़्यादा आपकी सरकार के खिलाफ बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये ज़्यादा कदा आंदोलन हर समय होते रहते, कोई भी सरकार होती है तो धरना प्रदर्शन, तो ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ अत्याचार जुर्म होते हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया अब भी हो रही, पहले भी होता है। मीडिया को लेकर शिकायत रहती है बहुजन समाज के तमाम नेताओं को, आपके मुझसे पहली बार सुना है, सचमुच लगता है आपको कि
मीडिया उन तमाम मुद्दों पर, जैसे एक अभिनेत्री का निधन हो जाता है उस पर दिन भर खबर जाती है, आप लोग हजारों लोग रामलीला में लाखों लोग जुटा लेते हैं, नहीं दिखाती है, तो विकल्प क्या बचता है आप लोग के पास? तो मैंने तो निंदा की आपका लेट हर स्लीप पीसफुली, उस मर, उस बेचारी मरे हुए को भी नहीं छोड़ रही, और दारू से मरी, क्या मरी, मरी और उसको इस ये कोई इतना घृणित बात है या इतना गलत बात है इसके ऊपर चर्चा करना? किसानों की समस्या है, गरीबी है, विकास की बात है, भ्रष्टाचार है, क्या मुद्दों की कमी है? लेकिन मीडिया यह कह करके बहुत ही गलत काम कर रही है, अनैतिक। बहुजन समाज को आप सोशल मीडिया पर जोर दे रहे हैं, उनके पास मीडिया नहीं है, उदित राज का कोई इस मामले में पहल होगा कि वो कोई मीडिया हाउस? अब मीडिया हाउस तो हम नहीं खड़ा कर पाएंगे, उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, और या तो पैसा कमा ले या तो सीना तान करके लड़ाई लड़ो। बीजेपी के सांसद उदित राज जी, लेकिन लगातार आरक्षण को लेकर आप